त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा आराधना उनकी अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि जीवन में व्यक्ति हर परिस्थिति हर संकट में उसका सामना बहुत ही सहजता से और सुगमता से कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 1 जून दिन बृहस्पतिवार को दोपहर में 1:39 पर हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 2 जून को दोपहर में 12:48 पर हो रहा है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय में व्याप्त रहती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो इस प्रकार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 1 जून दिन बृहस्पतिवार को अर्थात गुरुवार को रखा जाएगा और प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त जो है वो शाम में 7:14 से लेके रात में 9:16 तक है। अर्थात पूजा की जो प्रदोष काल की पूजा का जो पूर्ण अवधि है वो 2 घंटे 2 मिनट है। जिस दिन प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष के फल से शत्रुओं का नाश होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला व्रत होता है। दोस्तों, प्रदोष का जो व्रत होता है वो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस प्रदोष को व्रत को हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे इस व्रत को हम निर्जल रह के भी कर सकते हैं। निर्जल का मतलब होता है कि हम जिस दिन हमने व्रत किया है उस दिन के सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक हम जल ग्रहण नहीं करेंगे, इसको निर्जल व्रत कहते हैं। इसके अलावा हम व्रत में जल पूरे दिन केवल जल ग्रहण करके कर सकते हैं। इसके अलावा हम व्रत में आप फलाहार मतलब फलाहार का मतलब फल और हम जल, ये दोनों ग्रहण करके हम व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है जो व्रत में खाने वाले सामान होते हैं, जैसे कुट्टी का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू, मूंगफली, मखाना, लौकी आदि से बनाकर कुछ भी हम खा सकते हैं। इसमें सेंधे का नमक भी अर्थात जो व्रत में जो नमक होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ जगहों पे और कुछ लोग अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार जो प्रदोष का व्रत होता है वो दिन भर व्रत करते हैं और संध्या काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक भोजन होता है, वो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी लोग अगर दिन भर व्रत रह के संध्या काल के पश्चात भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उनको बिना शिव जी की पूजा आराधना किए भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका दोष लगता है। भगवान शिव को अभिषेक बहुत ही प्रिय है, इसलिए प्रदोष व्रत में भगवान शिव का सुबह में और शाम में दोनों समय उनका अभिषेक जरूर करना चाहिए। वो अभिषेक आप घर पे स्वयं से भी कर सकते हैं और आप मंदिर जाके भी कर सकते हैं। तो अभिषेक में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, उनका जल से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, उनका हम दुग्ध से, दही से, उनका शहद से, जो भी हमारे पास सामान उपलब्ध है उनसे हम भगवान शिव का अभिषेक करें, क्योंकि भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है। अभिषेक के पश्चात भगवान शिव को काला तिल और अक्षत दोनों अर्पित करना चाहिए। इससे पितृदोष का शांति मिलती है और इससे हमारे शत्रुओं का भी नाश होता है। महादेव की कृपा हम सभी पे बनी रहे, यही मंगल कामना है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के संग। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।